तो वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ के उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सेस एसोसिएशन ने धरना दिया। उन्होंने केंद्र प्रभारी के खिलाफ अभद्रता का आरोप भी लगाया। नर्सेस कर्मियों ने प्रभारी राजीव ढाका को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है और जमकर नारेबाजी भी की। नर्सेस एसोसिएशन के जिला सचिव रामनिवास ने बताया कि केंद्र प्रभारी के महिला नर्सेस के साथ अभद्रता करने पर कर्मियों में भयंकर आक्रोश है। उन्होंने प्रभारी पर राज्य सरकार और नगर के भामाशाह के द्वारा दिए जा रहे सहयोग को भी अपने हित में कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। कि लक्ष्मण चिकित्सालय को क्रमान्वित करके उप जिला चिकित्सालय बनाया गया, यहाँ का सुविधाओं का विस्तार किया गया, यहाँ मशीनें उपलब्ध कराई गई, स्टाफ को बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ के इंचार्ज महोदय जो ढाका जी हैं उनके द्वारा पिछले जब से इंचार्ज बने तब से ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। जो नर्सिंग स्टाफ इनके यहाँ चिकित्सालय में काम करता है, जो चिकित्सक यहाँ के निजी चिकित्सालय में जो इन्होंने खुद ने कर रखा है शहर में स्टैंड पर उनमें काम करता है, उनको ये ड्यूटी पे आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है।